कोयले से बिजली कैसे बनाई जाती है जानेंगे आज की इस वीडियो में। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट मूलीज पर। दोस्तों कितना बुरा लगता है ना जब स्विच दबाओ और घर का पंखा या एसी ऑन नहीं होता। कारण ये है कि बिजली नहीं है, भले ही वो महज 2 से 4 मिनट के लिए क्यों ना जाए। इतना तो बुरा लग ही जाता है कि आप बिजली कंपनी को कोसते ही होगे, और अगर ज्यादा देर तक नहीं आती तो आप फोन मिलाते हैं। फिर आपको जो जवाब मिलता है वो शायद ये होता है, पूरे शहर की गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी, सुविधा के लिए खेद है। लेकिन दोस्तों ये जो एक स्विच जितनी दूरी पर हमें इतनी सुविधा पहुंचाने वाली बिजली मिलती है वो इतनी आसानी से नहीं बनती। उसके बनने में जो कठिनाइयां हैं आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बताएंगे। दोस्तों बिजली बनाने के लिए जिस चीज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है कोयला। भारत में कोयले से बनने वाली बिजली पर लोगों की निर्भरता काफी ज्यादा है। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों में हमें कोल क्राइस के बारे में काफी कुछ देखने और सुनने को मिला है। वैसे बिजली का जो बनने का प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आता है पावर प्लांट, जिसके लिए एक फैलाव भरी जगह की जरूरत होती है जहां पानी की आपूर्ति की एक रिजर्व वायर भी बनाई जा सके। ये प्लांट आमतौर पर 1-2 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ होता है, लेकिन इनके एरिया का भी एक आधा हिस्सा कोयला ही ले लेता है। असल में होता कुछ यूं है दोस्तों कि जिस प्लांट में कोयले से बिजली बनती है वहाँ करीब 1.5 मिलियन टन कोयला एक साथ स्टोर करके रखा जाता है, जो करीब 40 दिन के उत्पादन के लिए जरूरी होता है। अब जब 1.5 मिलियन टन कोयले को रखना है तो जगह तो चाहिए ही, लेकिन बात ये भी है कि कोयले को यूं ही कहीं नहीं रख सकते, इसीलिए इन्हें एक अलग से कोल यार्ड में बड़े प्रेम के साथ व्यवस्थित करके रखा जाता है। सबसे पहले कोयले रेलगाड़ियों में भरकर प्लांट तक आते हैं, उसके बाद रेलगाड़ियों के डब्बों को आपस में अलग कर देते हैं, फिर एक एक करके सारे डिब्बों को निर्धारित जगह पर लाकर उसे एक मशीन के द्वारा पूरी तरह से पलट देते हैं, जिससे कि उस डिब्बे का सारा कोयला कोल यार्ड के नीचे चला जाता है। फिर नीचे इन्हें लगातार हटाते जाते हैं और एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से इन कोयले को आगे की तरफ भेज दिया जाता है, जहां इन्हें एक जगह पर व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। दोस्तों कोयलों को जब प्यास लगती है तो ये अपने ऊपर धूल इकट्ठा कर लेते हैं, इस वजह से जब हवा बहती है तो सारे कोयले पार्टिकल धूल बनकर उड़ने लगते हैं, जिससे बचने के लिए इन्हें समय समय पर पानी से भिगोया जाता है। इसके बाद इन्हें वापस एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से बाउल मशीन में भेज देते हैं, जहां इन पत्थर हो चुके कोयले को छोटे छोटे रेह में क्रश करके पाउडर में बदल दिया जाता है। इन्हें इसलिए पाउडर में बदलते हैं क्योंकि ऐसा करने से इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, साथ ही कोयले के अंदर जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें अलग किया जा सके। इसके बाद इस ब्लैक पाउडर को बड़े आराम के साथ बॉयलर में भेजते हैं, जहां ये बड़ी आसानी से आग पकड़ लेते हैं। आग पकड़ने के बाद कोयले की जो भारी राख होती है वो नीचे गिर जाती है, जिसे बॉटम एस कहते हैं, और जो हल्की राख होती है उसे फ्लाई ASS कहते हैं, जो कि चिमनियों के रास्ते फिल्टर करके एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। यानी यहाँ से अब कोयले का रोल खत्म होता है। अब जो आग लगी रहती है वो सीधा उन ट्यूब को बहुत ज्यादा मात्रा में हीट पहुँचाती है जिनमें पानी भरा रहता है। ये सारी ट्यूब हीट लेकर पानी को भाप में बदल देती है। अब जब ये भाप सुपर हीट हो जाती है तो इसे उन्हीं पाइप की मदद से आगे भेजा जाता है। उन पाइप पर ऐसा इंसुलेशन पहले लगाकर रखते हैं कि वेपर का टेम्परेचर पाइप में ट्रेवल करने के कारण घट ना जाए। अब कहानी में एंट्री होती है कोयले के प्रेम की, जिसकी वजह से वो खुद जल गया था। हम बात कर रहे हैं टरबाइन की, जिसे लोग पावर प्लांट का हार्ट भी कहते हैं, क्योंकि यही वो एलिमेंट होता है जो आगे हीट और प्रेशर को अपने ऊपर लेकर खुद को रोटेट करवाता है। ये रोटेशन इसलिए हो पाती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के कारण हाई प्रेशर वेपर जो पाइप से निकलती है वो बहुत तेजी से टरबाइन को हीट करती है। चूंकि टरबाइन हीट करने के बाद भाप ठंडी होने लगती है, इसीलिए जो टरबाइन का पहला पार्ट सबसे पहले भाप के संपर्क में आता है उसे हाई प्रेशर टरबाइन कहते हैं, और जो सबसे आखिरी में उसके संपर्क में आता है उसे लो प्रेशर टरबाइन कहते हैं। अब प्रेशर डिफरेंस के कारण वो टरबाइन रोटेट करना शुरू कर देती है। टरबाइन के घूमने के कारण एक हाई मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, जिसे फिर हम एक बड़े जनरेटर में ट्रांसफर कर लेते हैं। बड़े से जनरेटर में होता कुछ यूं है कि मैकेनिकल पावर के कारण उनके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण उनमें बिजली जनरेट होने लगती है, जिसे कहीं स्टोर नहीं
नहीं करते बल्कि उसकी जगह से उसे स्टार्टअप ट्रांसफार्मर की मदद से आगे के सब स्टेशनों पर ट्रांसफर कर देते हैं। स्टार्टअप ट्रांसफार्मर का मतलब ये है कि बिजली को हाई वोल्टेज करके भेजना ताकि ट्रेवल के दौरान उसमें पावर का लॉस ना हो। इसे आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि आपके घरों के पास जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं जो ज्यादातर 220 या 240 वाट की बिजली आपके घरों तक पहुंचाते हैं, जबकि इंटरप्ट ट्रांसफार्मर को जो बिजली जाती है वो इन्हीं स्टार्टअप ट्रांसफर से जाती है जो 1.2 केवी की बिजली सप्लाई करती है। प्लांट में अभी एक जरूरी प्रोसेस और होता है, वो ये है कि भाप को फिर से ठंडा करके पानी में बदला जाना। इसके लिए कूलिंग टावर अलग से लगे होते हैं जो पानी और भाप को ठंडा करने में काम आता है। आपने ऐसा टावर तो देखा होगा, ये सफेद रंग के गोल ऊंचे टावर होते हैं जिसे देखकर लोग बिजली प्लांट का अंदाजा लगाते हैं। इसे पोस्ट क्रेडिट कहते हैं। हमने जो आपको जानकारी बताई वो सुनने में काफी आसान लगती है, लेकिन इस प्रोसेस को अगर आप करीब से देखेंगे तो शायद आपको पता चलेगा कि ये कितना मुश्किल होता है। इस प्रोसेस को जानने के बाद आप कॉल क्राइसिस के बारे में क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइए। तो दोस्तों, अगर आप सबको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक दे दें। वहीं जाते जाते हमारे इस चैनल फैक्ट मोलिस को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें। हम मिलेंगे और किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।